दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरी चैनल पर। मैंने कि यहाँ पर एक हीरो का बाइक लिया है ये दिखाने के लिए कि जब प्लग कार्बन हो जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। पर कार्बन उसी वक्त होता है जब आप सुबह ऑफिस के लिए निकले या ऑफिस से घर निकलते हैं, तो उसी वक्त क्या होता है ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। या रास्ते में कहीं भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हम मैकेनिक को ढूंढते हैं, लेकिन एक छोटा काम है जो आप ये अपने आप कर सकते हैं बिना मैकेनिक के, आप खुद भी मैकेनिक का काम कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बॉक्स है टूल बॉक्स, उसके अंदर एक टूल किट होगा, उसी में सिर्फ दो दो, दो चीज ही उसमें ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है मैं दिखा देता हूँ, तो देखते हैं। इसको खोलने के बाद मैं दिखाता हूँ। एक ऐसा एक आपको एक टूल किट मिलेगा, और इस टूल किट में आपको क्या करना चाहिए मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये ऐसा टूल किट आपको मिलेगा, और मैंने सिर्फ इसमें दो ही ऐड किया है। आप देखेंगे ये पेपर है, किसी भी आप स्पेयर स्टोर में जाएंगे तो मांगेंगे कि जो प्लग साफ करने वाला एक पेपर चाहिए, तो वो आपको दे देगा। 10 रुपये में आपको एक फुट का मिल जाएगा। और ये देख सिरिंज देखिए इंजेक्शन का, जो कहीं भी मेडिकल स्टोर में ये 5 रुपये में मिल जाएगा आपको। यही दो चीज़ अगर मैं भी अपने गाड़ी में ही हमेशा ये यूज करता हूँ, जब भी कार्बन वार्बन हो जाता है तो इससे साफ करता हूँ। कैसे साफ करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे इसको निकालने के बाद आप देखिए यहाँ पे लगाइए। ये प्लग ऐसा आपको ऊपर कार्बन होके देखे कैसे हो गया है, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए मैं दिखा देता हूँ। आप इस पेपर से उसको ऐसे साफ करना होगा। पहले इस पेपर से इसे साफ करो, ऐसे साफ करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाए आप ये जो गैप है उसको जरा देखना, क्योंकि ऐसे कभी कहीं पर टकराना मत, क्योंकि इसका गैप अगर कम हो जाएगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वक्त में आपके क्या करना चाहिए, जो देख रहे हैं उसको साफ भी करना चाहिए, क्योंकि प्लग कार्बन होने की वजह ये भी होता है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं दिखाता हूँ। ये सिरिंज का काम अभी कैसे करना है मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए ऐसे ही आपको ये जो पाइप है उसको निकाल देना है, उसमें थोड़ा पेट्रोल डालना है। इतना ही पेट्रोल आप लेंगे, ज्यादा नहीं लेना। ये पेट्रोल लेने के बाद आपको इसको डालना है, ऐसे डालना है आपको, और देखिए कैसे क्या करना है इसे। और पेट्रोल लाने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे स्प्रे कर देना है। सब पेट्रोल स्प्रे करने के बाद आप 5 सेकंड वेट कीजिए। 5 सेकंड वेट करने के बाद, 5 सेकंड करने के बाद आप कीच मारे, अब ऐसे कीच मारेंगे और कीच मारेंगे तो जितना भी पेट्रोल अंदर गया सब निकल जाएगा और अंदर से साफ हो जाएगा। ऐसे करने के बाद आप क्या करना है, ऐसे कपड़ा डाल के उसके आगे का जो मुंह है ऐसे साफ कर लीजिए। ऐसे साफ करने के बाद देखिए ऐसा जो मैला है वो सब यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपको प्लग को लगाना है। ऐसे प्लग लगा देना है, टाइट करने के बाद ये प्लग को लगा देना है। वैसे आप प्लग का साफ कर सकते हैं, क्योंकि आप ये गाड़ी मैंने इसीलिए लिया कि हीरो का है, हीरो का ही नहीं हर कोई गाड़ी होता है, तो 2-3 साल बाद ऐसे ये एक प्रॉब्लम है। आप मत समझिए कि कार्बन एक प्रॉब्लम है,
एक प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्लॉक को साफ करना पड़ता है। और अगर 3 महीने में आप ऐसे साफ करेंगे तो आपका जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो कभी ऐसा नहीं आएगा। और आप जब जाएंगे तो जब भी आप मोबिल भी चेंज करते हैं इंजन ऑयल, उसी वक्त भी आप प्लग साफ कर सकते हैं। तभी कभी क्या करना है, जब भी आप गाड़ी आपका घर में रखिए या ऑफिस में कहीं भी रखिए, ऐसे जो चाबी हमेशा ऐसे ऑफ रखिए ही रखना, क्योंकि ऑफ रखने से ही इसका फायदा यही होता है, जो ओवर होता है, जो पेट्रोल ओवर हो जाता है इसी वजह से कार्बन ज्यादा होता है, तो इसे हमेशा ही ऐसे ऑफ ही रखना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।